Bismillah Rahman Rahim, myself Engineer Mohammad Rashid, Junior Instructor Civil, Department of Civil Technology, Government College of Technology, Multan. Our subject is Civil Engineering Drawing and AutoCAD. Our topic is Septic Tank and Soakage Pit. In this topic, we will discuss introduction of Septic Tank, introduction of Soakage Pit, drawing of Septic Tank and Soakage Pit. Reference of this topic is mentioned below. You can see in course outline as well as book. A septic tank is underground rectangular tank in which sewage is collected and allowed to decompose through bacterial activity before draining by means of soakage pit. अगर आम जबान में इसको समझे तो septic tank जो है एक रेक्टेंगुलर शेप का टैंक होता है जिसको अंडरग्राउंड बनाया जाता है। इसमें घरों से हासिल होने वाला इस्तेमाल शुदा पानी इसमें दाखिल किया जाता है। उसके बाद इसमें डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है बैक्टीरियल एक्टिविटी की सूरत में, जिसके बाद जो है निस्बतन साफ पानी को हम जो है सॉकेज पिट में ऐड कर देते हैं। Function of septic tank. Basically, septic tank is constructed for sewage treatment. Basically, septic tank जो है घरों से इस्तेमाल शुदा पानी जो है यानी सीवेज है उसमें टॉयलेट का पानी है और किचन का पानी है उसको निस्बतन साफ करता है। जब हम इनलेट पाइप के थ्रू इस रेक्टेंगुलर शेप के टैंक में पानी ऐड करेंगे तो इस पानी में मौजूद जो सॉलिड मटेरियल होगा उसमें इंसानी फुजला है या किचन से हासिल होने वाला जो पानी है उसमें कोई सॉलिड मटेरियल है वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू इस टैंक में नीचे बैठ जाएगा और निस्बतन साफ पानी जो है वो आउटलेट पाइप के थ्रू बाहर चला जाएगा। अब इसमें जो दूसरा प्रोसेस होता है वो डाइजेशन का होता है। जो अब सीवेज नीचे बैठ गई है यानी जो स्लज जो है वो नीचे बैठ गया है तो उसमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है। बैक्टीरिया जो है एनारोबिक बैक्टीरिया इस स्लज को जो है इस स्लज की तहलील करते हैं। इसमें इस अमल से जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और स्लज का वॉल्यूम कम हो जाता है और स्लज जो है टैंक के पेने में जमा होता रहता है। सेप्टिक टैंक को दो सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। एक सूरत यह है कि चंद घर हैं या कोई कॉलोनी है जहाँ पे सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है, वासा की तरफ से या म्यूनसिपैलिटी की तरफ से कोई किसी किस्म का सीवरेज सिस्टम मौजूद नहीं है तो उसके केस में किया जाएगा कि चंद घरों का पानी इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करके एक बड़े साइज का सेपरेट टैंक बनाया जाएगा। उस सेपरेट टैंक में पानी को ऐड कर दिया जाएगा। अब इस्तेमाल शुदा पानी में जो है सॉलिड मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएगा, उसमें उसकी सेडिमेंटेशन होगी और अब जो स्लज नीचे बैठ गया है उसकी डाइजेशन होगी। डाइजेशन में एनारोबिक बैक्टीरिया जो है उसकी डाइजेशन करेंगे और इसमें से गैसेस प्रोड्यूस होंगी। ये कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड होंगे उसको सिंपल कंपाउंड में बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट कर देंगे तो ये एक ब्लैक कलर का स्लज इसके बॉटम में जमा होता रहेगा और निस्बतन साफ पानी जो है आउटलेट के थ्रू हम सॉकेट पिट पे ऐड कर देंगे। और दूसरे केस की सूरत में हम वासा की जो सीवर लाइन मौजूद होगी मैन हॉल में पानी ऐड करेंगे। सीवर लाइन के थ्रू वासा का जो डिस्पोजल स्टेशन है वहाँ तक पहुँच जाएगा पानी। हमारे यहाँ मोस्टली जो है सेकंड जो इसकी है
उसको फॉलो नहीं किया जाता। यही वजह है कि हम लोग हम घरों से हासिल होने वाला इस्तेमालशुदा पानी जो है वो डायरेक्टली वासा की सीवर लाइन में डाल देते हैं। उसमें सॉलिड मटेरियल भी वासा की सीवर लाइन में चला जाता है और पानी भी साथ ही चला जाता है। तो वासा की सीवर लाइन के चोक होने की एक सबसे बड़ी वजह हमारा सेप्टिक टैंक ना बनाना है। जब भी हम किसी हाउसिंग सोसाइटी में कोई भी एमडीए की अप्रूव्ड जो हाउसिंग सोसाइटी है या किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोई भी अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटी है उसमें हम उस वक्त तक अपने घर की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जब तक हम सर्वर टैंक जो है वो नहीं बनाते। लेकिन हमारे यहाँ ये अप्रूवल की हद तक इसको फॉलो किया जाता है और इसको प्रैक्टिकली बहुत कम लोग बनाते हैं। अगर हम लोग इसको फॉलो करें, गवर्नमेंट इस पे फोकस करे, तो रिजल्टेंटली जो मोस्टली वासा की सीवर लाइंस चोक हुई रहती हैं तो इसको परमानेंटली सॉल्व किया जा सकता है। और दुनिया के तमाम ममालिक में ऐसा होता है और इसका करने से ये होता है कि वासा जो है वो डिस्पोजल स्टेशन पर जो है वो बोझ भी कम हो जाएगा और वासा जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट और इसके अलावा टर्शरी ट्रीटमेंट भी कर सकता है। तो टर्शरी ट्रीटमेंट के बाद पानी इतना साफ हो जाता है जैसे आम पीने का पानी होता है। साइज ऑफ सेप्टिक टैंक का जो अमूमन साइज रखा जाता है वो यूजर के अकॉर्डिंग रखा जाता है कि कितने नंबर ऑफ होम्स हैं या हर घर में कितने नंबर ऑफ पीपल हो सकते हैं। तो ये क्वांटिटी पहले कैलकुलेट की जाती है कि कितने घर हैं और कितने अफराद के लिए ये हमने डिज़ाइन करना है। तो एक टेबल आपकी बुक में भी गिवन है, मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें पांच जो लोग हैं उनके लिए जो साइज सेवन टैंक का अमूमन रखा जाता है, इसमें लंबाई जो है मीटर्स में 1.5 मीटर और चौड़ाई जो है मीटरों में 0.75 मीटर और गहराई जो है 1 मीटर तक रखी जाती है। इसी तरह 10, 15, 20, 50, 100, 150, 200 या 300 अफराद के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसमें डिटेंशन टाइम को भी देखा जाता है कि हमने डिटेंशन टाइम इसको कितना देना है और इसमें जो सॉलिड मैटर्स हैं उनके वॉल्यूम की गुंजाइश को भी देखा जाता है कि कितना जो है वो इसमें स्टोर किया जा सकता है और कितने अरसे के लिए किया जा सकता है। डिटेलिंग ऑफ सेवन टैंक, तो सेवन टैंक की डिटेल देखते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। ये हमारा ग्राउंड लेवल है यानी ये ज़मीन का लेवल है, इससे नीचे बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम ये कंक्रीट का एक बेड बनाएंगे, एक स्लोप बनाएंगे ताकि इसमें दरमियान में जो स्लज है वो जमा हो सके। और फिर हम ये दीवारें बनाएंगे, ये दीवारें ब्रिक मैसनरी से बनाई जा सकती हैं, आरसीसी की बनाई जा सकती हैं, स्टोन मैसनरी से बनाई जा सकती हैं। उसके बाद ये दरमियान में जो पार्टीशन वाल है इसे हम बैफल वाल भी बोलते हैं, तो ये बनाई जाएगी। और इसमें ये ग्रूव्स दिए जाएंगे ताकि ये सारा जो ज़्यादा जमा हो जाएगा तो उसको इन ग्रूव्स या पाइप्स के थ्रू जो है डिसलज किया जा सकेगा। और इसके बाद ये जो बैफल वाल है दरम्यान में या पार्टीशन वाल है इसमें सुराख दिए जाएंगे या पाइप के टुकड़े रख दिए जाएंगे ताकि जो इनलेट के थ्रू पानी आ रहा है वो इन पाइप्स के थ्रू होके दूसरे हिस्से में पहुंच सके। और ये आपका इनलेट पाइप है, घर से हासिल होने वाला इस्तेमाल शुदा पानी जो है इस पाइप के थ्रू इस सेपरेट टैंक में डाला जाएगा और इस सेपरेट टैंक से पानी जो है वो फ्लो करके नीचे आएगा और इसमें स्लज नीचे बैठ जाएगा और ये जो बैफल वाल है इसके थ्रू दूसरे पोर्शन में आएगा पानी
और इसका लेवल जैसे ही राइज होगा तो ये आउटलेट पाइप के थ्रू सीवर लाइन की तरफ चला जाएगा, या हमने अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम अगर बनाया हुआ तो उस सूरत में ये सॉकेज पिट की तरफ चला जाएगा। और सर्विन टैंक को हम जो है एक आरसीसी स्लैब की मदद से या किसी भी मुनासिब मटेरियल की स्लैब बना लेते हैं, उसे कवर कर देते हैं। और उसके बाद ये इंस्पेक्शन कवर इसमें दे देते हैं ताकि किसी किस्म की इंस्पेक्शन करनी है या इसकी हमने डीस्लजिंग करनी है या सफाई करनी है तो उस केस में ये कवर दिया जाता है। ये एक ब्रेंड पाइप दिया जाता है, इसका मकसद ये होता है कि डाइजेशन प्रोसेस जब होता है तो उस प्रोसेस में गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, ये गैसेस जो हैं इस वेंट पाइप के थ्रू जो है फ़ज़ा में दाखिल हो जाती हैं। प्रीवियसली हमने सर्वे टैंक को काफ़ी डिस्कस किया, अब हम सॉकेज पिट या सॉकेज वेल को डिस्कस करेंगे। ए सॉकेज पिट इज आल्सो नोन एज ए सॉकेज वेल इज कवर्ड पोरस वॉल चैम्बर दैट अलाउज वाटर टू स्लोली सोक इनटू द ग्राउंड। तो ये जो सॉकेज पिट है इसका जो मकसद है वो ये है कि हम जब निस्बतन साफ पानी जो है जो सर्विस टैंक से हमने हासिल किया है इसको हम एक अंडरग्राउंड वेल में डालेंगे, कुआं होगा छोटे साइज का या बड़े साइज का भी हो सकता है, अगर नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा हैं तो बड़े साइज का होगा, अगर नंबर ऑफ पीपल कम है तो छोटे साइज का होगा। अब सॉकेज वेल जो है ये पोरस होगा यानी मसानदार ये कुआं होगा, इसको हम ब्रिक मैसनरी से बना सकते हैं, हम स्टोन मैसनरी से बना सकते हैं, और इसके अलावा कंक्रीट की सर्कुलर पोरस वाल बनाई जा सकती है। तो इसके बॉटम पर हम जो है एक फिल्टर बनाते हैं, फिल्टर इस तरह से बनाया जाता है कि सबसे नीचे जो है ग्रेवल्स होंगे, उसके बाद ब्रिक बैट्स होंगे और ब्रिक बैट्स के ऊपर जो है ब्रिक बैलेस्ट होगा, ब्रिक बैलेस्ट के ऊपर कोर्स एग्रीगेट होगा, फिर फाइन एग्रीगेट होगा, तो फाइन एग्रीगेट में रेत की मुख्तलिफ तहें होंगी। तो जब हम इस कुएं में पानी ऐड करेंगे तो वो पानी जो निस्बतन साफ था वो मजीद जो है एंड फिल्टर से होता हुआ जब ज़मीन में जाएगा तो मजीद साफ हो जाएगा। इस तरह हम जो है पानी को जो इस्तेमाल शुदा पानी था जो हमारे घर से सेपरेट टैंक में आया फिर सॉकेज पिट में आया फिर हमने उसको ज़मीन में ऐड कर दिया सीपेज के थ्रू तो निस्बतन साफ हो जाएगा। हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है पानी का अंडरग्राउंड वाटर है उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। फंक्शन ऑफ सॉकेज पिट ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सॉकेज पिट में हम सर्वे टैंक से हासिल होने वाले निस्बतन साफ पानी को ऐड करते हैं और इसका मकसद ये होता है कि निस्बतन जो साफ पानी होता है उसको मजीद साफ किया जाता है ताकि जब ये ज़मीन में शामिल हो तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको नुकसान ना पहुंचाए और जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है यानी अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज भी करता रहे। डिटेलिंग ऑफ सॉकेज पिट, ये सॉकेज पिट की कुछ डिटेल है कि इसको बनाएंगे कैसे, ये बनेगा कैसे। तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है यानी ज़मीन का लेवल है और ये हमने जो है फिल्टर्स बनाए हैं, इसको चार तहों में बनाया, हर तह की ऊंचाई जो है वो 1 फुट तक है और ये जो फिल्टर है इसकी जो चार तहें हैं ये किसी भी सूरत में 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसमें इसकी जो तरतीब है पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ग्रेवल्स ऐड करेंगे, बड़े साइज़ के पत्थर ऐड करेंगे हम, इसकी 2 लेयर्स बनाएंगे, हर फिट की 1 लेयर बनाएंगे और उसके बाद ब्रिक बैड ऐड करेंगे यानी बड़े साइज के ईंटों के टुकड़े ऐड करेंगे हम, और उसके बाद
ईंटों के टुकड़ों के बाद हम ब्रिक बैलस्ट ऐड करेंगे। ब्रिक बैलस्ट के बाद हम छोटे साइज की बजरी इस्तेमाल करेंगे, यानी कोर्स एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद हम सैंड की लेयर्स ऐड करेंगे, और उसके बाद हम जो है ये रिंग प्रोवाइड करेंगे, या इसको हम हॉलो ही रहने देंगे। दो साइडों पे ये ऊपर टॉप पे हम जो है एक कवर बना देंगे, तो इसमें ऊपर इंस्पेक्शन के लिए हम एक अलग से कवर बना देंगे छोटा सा, ताकि इसकी इंस्पेक्शन की जा सके। तो इसको जब ये आपका एक सॉकेज फिट फिल हो जाता है, तो नज़दीक इसको बंद करके नज़दीक रिंग कोई और जो है सॉकेज फिट बना ली जाती है। तो एक एक सॉकेज फिट जो है 3 साल के लिए या 5 साल के लिए डिज़ाइन किया जाता है। जब ये फिल हो जाता है सॉलिड मटेरियल से, इसके मसाम बंद हो जाते हैं, तो न्यू बना लिया जाता है। अब इस फोटोग्राफ में दिखाया गया है कि ये एक घर है, घर से जो है ना एक पाइपलाइन के थ्रू पानी आ रहा है, जिसको सेपरेट टैंक में ऐड किया है। सेपरेट टैंक से जो है ना नस्बतन साफ पानी था, उसको हमने सॉकेज पिट में ऐड किया है। सॉकेज पिट में जो पानी जो है सीपेज के थ्रू जो है ना ज़मीन में चला जाता है, ये जो ब्लैक ब्लैक कलर का दिखाया हुआ है। उसके बाद लेआउट ऑफ सेपरेट टैंक ये दिखाया गया कि हमने इसकी पहले लेआउट करनी है। ये लेआउट दिखाई गई। लेआउट के बाद हम एक्सकवेशन करते हैं। इस इमेज में ये आपको एक्सकवेशन दिखाई गई है। मजीद ये इसकी बेस हम तैयार करेंगे। अगर ये आरसीसी का आपने टैंक बनाना है, तो इसकी जो बेस है वो आरसीसी से बनाई जाएगी, और इसकी जो वाल्व हैं वो भी आरसीसी। और ये बेस बना रहे हैं, इसके ऊपर ये वाइब्रेटर चला रहे हैं। और ये आपको रियल में बना हुआ, ये राइट साइड पे पहले फोटोग्राफ में आपको नज़र आ रहा है, सेपरेट टैंक नज़र आ रहा है। और इसमें ये इनलेट पाइप है, दरमियान में ये बैफल वाल बनी हुई है, और वाल में अगर आप गौर से देखें दरमियान में सुराख हैं, और उनको आरसी तौर पर सपोर्ट दी हुई है। और उसके बाद आउटलेट पाइप है, आउटलेट के बाद ही अगर आप गौर से देखें तो आगे सॉकेज पिट बनाई हुई है छोटे साइज की। अगर आपका जो लोड है वो कम है तो छोटे साइज की बनाई जा सकती है, अगर लोड ज़्यादा है तो फिर बड़े साइज की सॉकेज पिट बनाएंगे। तो ये दूसरे इमेज में भी ये दिखाया गया है, और तीसरे इमेज में इसको कवर सूरत में दिखाया गया है। ये सॉकेज पिट है, सॉकेज पिट आपकी ऐसे होगी। ये आप इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो ड्राई मैसनरी से भी कर सकते हैं, और सीमेंट मोटर का यूज़ करके भी कर सकते हैं। इसमें जो फिल्टर्स बनाए जाएंगे, ये जो एक साइड पे आपको फिल्टर्स बनाए हुए दिखाए हुए हैं, तो ये हॉरिजॉन्टली फिल्टर बनाए हुए हैं। तो ये सॉकेज पिट के अंदर बेसिकली ये फिल्टर्स बनाए हुए हैं। आप इन फिल्टर्स को बाहर की तरफ भी बना सकते हो और वर्टिकली बना सकते हो। उस सूरत में आप जो है बाहर की तरफ जो फिल्टर बनाओगे वो आपके वर्टिकल होंगे, और इस सूरत में जो मैसनरी होगी वो ड्राई मैसनरी होगी। तो इस फोटोग्राफ में ये दिखाया गया कि अगर नंबर ऑफ पीपल 5 होंगे तो जो सेपरेट टैंक है वो 3 साल के लिए अगर डिज़ाइन किया जाएगा, तो दीवार की थिकनेस जो है वो 20 सेंटीमीटर होगी, और 3 साल के बाद इसकी डीस्लजिंग करनी पड़ेगी, यानी इसकी सफाई करनी पड़ेगी अच्छे से, और उसके बाद फिर ये काबिले इस्तेमाल होगा। तो ये एक और फोटोग्राफ दिखाया गया है। इसमें ये है कि घर से ये पानी आ रहा है, सेपरेट टैंक में आ रहा है। सेपरेट टैंक से जो है फिर ये एक वासा की या कोई भी म्यूनसिपैलिटी की जो सीवर लाइन है उसमें जा रहा है। तो अगर आप सेपरेट टैंक में ये जो काटा हुआ दिखाया हुआ है इस पे देखें, तो जो सॉलिड मटेरियल है इसमें रिटेन हो रहा है, और नस्बतन साफ पानी जो है वो सीवर लाइन में जा रहा है।
और ये दूसरी साइड पे जो दूसरा इमेज दिखाया गया है उसमें भी यही है कि हर इंडिविजुअल घर ने अपना एक सेपरेट टैंक बनाया हुआ है और पानी सीवर लाइन के थ्रू जो है ना आगे जा रहा है। उसको हम नियर जो वासागढ़ डिस्पोजल स्टेशन है उसमें भी ऐड कर सकते हैं या किसी हम सॉकेज पिट में ऐड कर सकते हैं।